हे गाइस वेलकम टू माय न्यू अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग एवरीवन इस प्यारी प्यारी सुबह के साथ जो है ना मैंने प्यारा प्यारा सा ब्लॉग अपना स्टार्ट किया हुआ है सुबह सुबह जो है ना बहुत प्यारी प्यारी ठंड लग रही थी बहुत बहुत अच्छा लग रहा था क्लाइमेट बहुत अच्छा हुआ हुआ है बाहर का एक्चुअली दो दिन से ना मुंबई में बारिश भी हो रही है मतलब कभी भी हो रही है और सुबह सुबह तो बारिश ही चढ़ी थी दिल कर रहा था वैसे थोड़ी देर जो है बालकनी में बैठे रहूँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मेरी बेटी को जो है ना स्कूल जाना है मेरा मतलब है दोनों बहन भाई स्कूल जाएंगे ना तो बस उसने रात में ही मुझे बोल दिया था कि मम्मी मैं कल जो है ना पराठा लेके जाऊंगी एक तो आप पराठे के साथ केचप दे देना या तो फिर जैम वगैरह लगा कर देना ठीक है तो चलिए सबसे पहला आटा मैंने देखे यहाँ पर गूंद कर ले लिया है और आटा था भी नहीं वैसे घर में चक्की से पीस कर जो है ना रात में ही आया और मैंने ना उसको कंटेनर में रात में नहीं डाला मैंने सोचा कि सुबह में ही डालते अभी इसको रखते हैं फिलहाल और बस रोटी मेकर निकाल ली रोटी मेकर में, में रोटियाँ जो है सेक लूंगी कुछ रोटियाँ बनानी है और कुछ पराठे पराठे तो सिर्फ दो तीन ही बनाने मुझे और रोटियाँ थोड़ी बहुत बना के रख दूँगी तो यहाँ पर अंडे भी ला के वही रात में ही रखे थे तो अंडे भी मैंने अभी सेट कर लिए मैं अंडे ना हमेशा धो के फिर ट्रे में रखती हूँ लेकिन मैंने इस बार देखा कि अंडे एकदम क्लीन है धो के रखने की ज़रूरत नहीं है तो फिर इसके लिए मैंने अंडे ऐसे ही ट्रे में डाले बस दोनों बच्चों की जो है यूनिफॉर्म ला के जो है मैं बाहर रख रही हूँ अब एक एक करके जो है ना दोनों को उठाऊंगी पहला तो सारा की स्कूल होती है उसके बाद जुहान जाता है दोनों के स्कूल टाइम में बस एक घंटे का फर्क होता है सबसे पहला ना मैं अपनी बेटी को तैयार करके इसको स्कूल के लिए भेजती हूँ फिर थोड़े टाइम बाद क्या करती हूँ जोहान को उठाती हूँ समझ ले कि जोहान की स्कूल नौ बजे की है तो उसको मैं साढ़े आठ बजे तक के उठा लेती हूँ फिर उतने आधे घंटे में फटाफट इसको तैयार करके उसको भी स्कूल छोड़कर आ जाती हूँ उसके बाद में फिर मैं क्या करती हूँ पता है क्या थोड़ा आराम करती हूँ सुबह सुबह जो है ना जो काम होता है ना मेरा वही असल में मेन काम होता है मेरा कि बच्चे बस अच्छे से स्कूल पहुंच जाए उसके बाद में फिर बड़ी शांति मिलती है सुकून भी रहता है घर में थोड़ा <laughs> मतलब उस टाइप वाला सुकून नहीं बोल रही हो ऐसी एक बात बता रही हूँ मतलब बच्चे चले जाते हैं फिर मैं थोड़ा सोचती हूँ क्या बनाऊँ क्या करूँ और आगे क्या करना चाहिए क्या वीडियो में डालना चाहिए बस यही सब ख्यालत रहते हैं नींद तो आती नहीं एक बार उठ गई ना तो मेरे को नींद नहीं आती है क्या यहाँ पर देखे मैंने ना दो तीन कुछ पराठे सेक लिए दोनों बच्चों के जो है ना टिफ़िन मैंने एक साथ तैयार करके रख दिए हैं और यहाँ पर चॉकलेट लगाया है एक पराठे में एक पराठे में जो है मैंने जैम लगाया दोनों की टिफ़िन एक साथ ही पैक कर रही हूँ और ऐसे ही मतलब पराठों को रोल करके जो है ना टिफ़िन बॉक्स में डाल दिया है ताकि पराठे ठंडे ना होए ऐसे तो बच्चों की रेसिस जल्दी हो जाती है स्कूल जाते हैं और बस दो घंटे बाद उनकी रेसिस हो जाती और ये बैग वही है जो मैंने डी से लिया था ब्लू कलर का बड़ा प्यारा बैग है बहुत अच्छा लगा मेरे को तो मेरी बेटी का मैंने टिफ़िन इसी में डाला और मेरी बेटी स्कूल चली गई उसके बाद फिर मैंने क्या किया फटा फटाफट से किचन में आके जो रोटी वगैरह डाली थी वो मेकर वगैरह सब क्लीन करके जाके वहाँ रख दी और एक बात बताती उगाई मेरी जो हॉट केटल थी जिसमें मैं गर्म पानी करती थी वो केटल जो है ना मेरी बंद हो गई है कितने दिन से जो है ना चालू ही नहीं हो रही है शायद ख़राब हो चुकी पाँच सौ की ली थी मैंने उसको डी डी मार्ट से डी मार्ट से ली थी तकरीबन ढाई साल पहले पाँच सौ की पैसा तो वसूल हो गया बहुत उसको मैंने मतलब यूज़ किया अब जाके जो है वो खराब हुई खैर अभी तो फिलहाल मैंने टोप में पानी गर्म किया है और जीरा सौफ अजवाइन का पानी मैंने बना लिया है सारा स्कूल जाने के बाद जो भी छोटे मोटे काम होते हैं ना वो फटाफट कर लेती हूँ फिर जैसे ही जुहान का स्कूल का टाइम होता ना उसको भी रेडी करती हूँ फिर उसको भी छोड़ देती हूँ लेकिन अभी जुहान गया नहीं है जोहान को थोड़ी देर बाद छोड़ूंगी पहला मैं ये पी लूँ अच्छा आज नाश्ते में मैं बनाने वाली हूँ ग्रीन मूंग दाल का चीला वो भी स्टफ वाला मतलब उसमें ना कुछ मसाले भी हो गए मैं आपको बताती हूँ आगे तो सबसे पहला जो है ना मैं ये ग्रीन मूंग दाल जो होती है ना इसको मैंने भिगो के रखना है आधा घंटा बहुत हो गया है इसको भीगने के लिए मतलब अच्छे से भीग जाती है पहला दो तीन पानी से मैंने धो लिया है और इसको अभी भिगा के तकरीबन आधा घंटा हो गया था और उसके बाद फिर मैंने एक जार में ना लहसुन और हरी मिर्ची ले ली थी और इसमें मैंने भिगी हुई दाल ऐड कर ली आधे घंटा बहुत हो गया गाइस दाल को भीगने के लिए मैंने दाल बहुत अच्छे से भिगा ली और बस थोड़ा सा पानी डाल के जो ये दाल को पीस ली थी इसमें मैंने हल्दी नमक लाल मिर्ची पाउडर डाल दी है ठीक है इसको मिक्स कर लेती थी इस चीले के लिए ना कुछ वेजिटेबल्स भी मुझे चाहिए तो मैंने यहाँ पर फटाफट से क्या किया ना हरा धनिया शिमला मिर्ची टमाटर प्याज जो है एकदम बारीक बारीक चॉप कर लिए ठीक है और यहाँ पर जो है ना तवा रख दिया मैंने नॉन स्टिक तवा लिया हुआ है और बस थोड़ा सा तेल अप्लाई किया और उसके बाद जो ये मैंने बैटर बनाया था वो मैंने अच्छे से फैला लिया है डोसे की तरह बिल्कुल और इसमें सारी वेजिटेबल्स जो है ना कटी हुई ऐड कर लिए है और इस इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया चट मसाला डाला है और थोड़ी सी रेड चिली फ्लैक्स भी ऐड की हुई है आप चाहो तो इसमें हरी मिर्ची भी बारीक बारीक कट करके डाल सकते हो और चीज़ मैंने इस पर डाल दी है ठीक है और थोड़ा सा तेल डाल दिया है कॉर्नर्स पे ठीक है ताकि ये चीला है थोड़ा सा क्रिस्पी होए और ज़्यादा सूखा भी ना लगे बस इसको अच्छे से सेको और इसको जो है ना हमने लाल चटनी के साथ खाया था बहुत मज़ा आया बहुत इन्जॉय किया ठीक है इस तरह से मैंने एक बनाया और दूसरा वाला मैंने कुछ इस तरह से बनाया था पहला तो अच्छे से बैटर फैला लिया उसके बाद जो है ना मैंने लाल चटनी इस पर डाली और इसे भी अच्छे से फैला लिया उसके बाद सारी वेजिटेबल जो काट के रखी हुई थी ना वो मैं इस पर अच्छे से फैला के डाल दूँगी और फिर इसके ऊपर सेम वही प्रोसेस रहेगा चाट मसाला ब्लैक पेपर पाउडर और चिली फ्लेक्स थोड़ा सा तेल डाला इस पर चीज़ नहीं डाला है मैंने ये विदाउट चीज़ बनाया है मैंने चीला ठीक है इस पर सिपासी वेजिटेबल्स है वैसे मैंने मूंग दाल जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा ही ली थी ताकि मैं दो दिन तक जो है ना उसका चीला बना के खा सकूँ डाइट में वो चीला बहुत ही अच्छा है हाँ डाइट में चीज़ नहीं खाते मुझे पता है लेकिन कभी कभार खाने से कुछ नहीं होता ये एक शौक होता है सो गए थोड़ा ज़्यादा ही बनाया वैसे चीले का बैटर मैंने थोड़ा सा फ्रिज में रख दिया बचा हुआ और बाकी का तो मतलब तीन चार कुछ बना के हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने खा लिए और यहाँ पर मैं बना रही थी आज एक करी आलू डाल के बिल्कुल अम्मी के स्टाइल में मेरी अम्मी ऐसी बनाती है मसाला पीस के और बस अंडा आलू ऐसा हाथ से ऐसा चूर के और ये मसाले में डाल देती है बहुत अच्छा टेस्ट आता है हाथ से जो हम आलू चूर के डालते हैं ना ये मसाले में अंडे के मसाले में तो ये जो मसाला है अंडे का बहुत अच्छा बनता है मैंने सुबह में तो रोटी बना ही ली थी पराठों के साथ साथ मैंने कुछ चार पांच रोटी भी बना ली थी तो हो जाएगा दोपहर तो में गुजारा हो जाएगा इसे खाकर और मैंने अपने लिए ना हरे वटानी जो होते हैं ना ग्रीन मटर वो मैंने ना भिगोने के लिए रखे थे एकदम सुबह सुबह और वो अच्छे से भीग चुके हैं ना तो उसके बाद जो है ना मैं आलू के साथ ये वटाने जो है ना बॉईल कर रही हूँ सिर्फ हल्दी डालकर और पानी डाला है नमक तो नहीं डाला है मैंने नमक अभी डालती ना तो फिर क्या जो ये मटर है ना वटाने ये अच्छे से बॉईल नहीं होते मैंने कई बार देखा है इसके लिए मैं नमक डालती नहीं हूँ एक चना दाल में और एक ऐसे वटाने बॉयल करने होते हैं ना तभी और ये देखिए पानी लगता थोड़ा ज़्यादा हो गया मुझसे कुकर में तो प्रेशर पूरा बाहर आ गया था हल्दी का पूरा पीला पीला पानी आ गया जिसकी वजह से मेरा जो बर्नर है ना पूरा पीला हो गया है साइड से इसको घंसने में ना बहुत ताकत लगी गई क्या बताऊँ काम बढ़ गया सुबह में ही मैंने अच्छे से साफ़ कर ली थी मतलब मेरे को अभी दोबारा से करना पड़ा देख सकते हो आप दो ग्लास पानी डाला है मैंने लेकिन मुझे लगता है ना कुछ ज़्यादा ही हो गया पानी देखे बाहर ही आ रहा है अभी भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और मैं पोसते ही जा रही पोसते ही जा रही तो ये देखिए ये आप जाके थोड़ा सा चमका है इसमें चमक आई है और यहाँ पर देखे जो आलू और जो मटर है ये बॉईल हो गया अच्छे से एक्चुअली मैं इसका बना रही हूँ रगड़ा स्कूल टाइम में ना इस तरह का रगड़ा मैं बहुत खाया करती थी जब भी मेरी स्कूल की रेसिस होती थी ना तो मैं और मेरी फ्रेंड हमेशा जो है ना जैसी रेसिस होने की वैसी स्कूल से बाहर आने के और ये रगड़ा खाने के एक प्याली खाने के इतना दिल को सुकून मिलने के ना क्योंकि ये रगड़ा ही इतना पसंद था बहुत सिंपल होता है आलू उटा नहीं कर लो फिर उसके बाद इसमें ऊपर से लाल मिर्ची पाउडर डाल दो चाहो तो आप दोबारा से पकाओ या ना पकाओ और एक्स्ट्रा मिर्ची पाउडर डाल के खाओ मज़े लो नींबू हो तो नींबू भी निचोड़ो बहुत मज़ा आता है मुझे तो बहुत पसंद ऐसा लग रहा गाइस अभी जो है ना मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ मैं बना रही हूँ आज खिचड़ी आलू के चिप्स और मीठा रवा सबसे पहला तो मीठा रवा ही बना रही हूँ वैसे फ्रिज से ना मैंने रवा निकाल लिया है मैं रवा फ्रिज में ही रखती हूँ उससे क्या ना कि रवे में कीड़े नहीं पड़ते हाँ भून कर रखने से भी कीड़े नहीं पड़ते लेकिन मुझे उस पर इतना भरोसा नहीं है मैं क्या करती हूँ रवा भूनती हूँ लेकिन फ्रिज में ही रखती हूँ तभी भी रवे को तो बस फिर मैंने थोड़ा सा रवा ले लिया था मैं उसको एक बार फिर अच्छे से भून रही हूँ क्योंकि ठंडा है ना तो भूनना ज़रूरी है रवे को और यहाँ से मैं निकाली थी घी घी नहीं मिल रहा था मुझे इतना सारा सामान निकालना पड़ा इस बड़े डब्बे से फिर वापस रखना पड़ा एक्चुअली पैकेट एकदम सामानों में नीचे धस गया था तो बस फिर रवा भूनते भूनते मैंने इसमें ना थोड़ा सा घी भी डाल दिया अब घी के साथ थोड़ा सा इसको भून लूँगी ना तो क्या ना कि रवे अच्छी सौंदी सौंदी में अच्छी सौंधी सोधी स्मेल आएंगी मतलब खुशबू आएँगी हाँ और यहाँ पर चिप्स के लिए मैंने आलू निकाल लिए मेरी बेटी का फेवरेट माशाल्लाह उसके लिए चिप्स बना रही हूँ मैं और सुबह का अंडा मसाला जो मैंने बनाया था ना वो भी रखा हुआ है तो एडजस्ट हो जाएगा तो यहाँ पर देखे रवा घी में भून लिया था मैंने ना इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और शक्कर डाल दिए मेरे घर में ना मीठा बनता है लेकिन कम मीठा बनता है <laughs> कुछ समझे मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मैं मीठा बनाती हूँ लेकिन उसमें शक्कर कम डालती हूँ अच्छा शक्कर डालने के बाद फिर मैंने इसमें इलायची पाउडर डाल दी थी और ऑरेंज फूड कलर डाला है मिक्स करने के बाद मुझे ऐसा लगा ना कि मैंने इसमें कलर थोड़ा सा और डालना चाहिए था रवे में थोड़ा सा कम पड़ गया डार्क ऑरेंज कलर अच्छा लगता है रवे में ये लाइट ऑरेंज आ गया कोई बात नहीं वैसे भी ज़्यादा फूड कलर नहीं खाना चाहिए हानिकारक होता है मैंने इसमें काजू डाल दिए आप सोचेंगे कि काजू मैंने फ्राई भी नहीं किया ऐसे ही कच्चे डाल दिए तो क्या बताऊँ मैं मेरे घर में ना रवे में अगर मैं कोई ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ ना तो इसमें फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट्स अच्छा नहीं लगता इसके लिए मैंने कच्चा डाला काजू अच्छा लगता है सभी भी रवा अच्छा बना देखो मेरे को भी पता है कि डाइट करते हैं ना तो डाइट में ना शुगर नहीं खानी पड़ती कोई तरह का मीठा मिठाई वगैरह नहीं खानी पड़ती है ये चीज़ तो मुझे भी पता है एक्चुअली मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ ना कि किसी सिस्टर ने मुझे कॉमेंट्स किया था कि डाइट भी कर रही हूँ और मीठा भी खा रही हूँ ऐसा मैसेज कुछ था लेकिन मेरे को थोड़ा सा वो लगा मैं बोले कि चले मैं ना बाद में कभी बोल दूंगी <laughs> मुझे भी पता है एक्चुअली कि मीठा नहीं खाते अगर डाइट कर रहे तो चलिए इस टॉपिक पे बात हो रही है तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा आगे तक और बोलूँ इस टॉपिक पे एक्चुअली हुआ ऐसा था ना कि वो दिन ना मिठाई आई हुई थी घर में अफलातून मतलब इसके डैडी अफलातून लेकर आए थे मेरे लिए क्योंकि उनको पता है यहाँ को जो है ना अफलातून बहुत पसंद है तो उन्होंने अफलातून लाए थे और अफलातून आता है ना तो फिर मैं एक से दो खा लेती हूँ हाँ इतना है कि उस दिन चावल मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ लेकिन अफलातून है तो फिर मैं खा लेती हूँ बाकी दिन तो डाइट ही कर करे ना थोड़ी ना रोज़ रोज़ घर में अफलातून आने वाला है और वैसे भी मीठे से मुझे ज़्यादा मतलब दूर रहना ही पसंद है मीठे में सिर्फ मैं तो नहीं खाती और कुछ नहीं अच्छा देखिए ना मैंने चिप्स बना ली मतलब स्लो पे रखी है ताकि चिप्स पकते रहे और दूसरी साइड जो है खिचड़ी भी मैंने बगार दी और इसमें ना मैं तुअर दाल और चावल ऐड कर रही हूँ तुवर दाल की खिचड़ी है मतलब अच्छी लगती है हमें गरम गरम खिचड़ी अच्छी बनती है तुअर दाल की और इसी के साथ ब्लाग को भी एड करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे अपना ख्याल रखें दुआ में याद रखें हाफिज़